हम लोग को तो बढ़ाया नहीं जा रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग तो उसी जगह पर। जब से ये मोदी की सरकार भी हिंदुस्तान में बैठा है तब से महंगाई चरम पर चल गया है। 20% जो है किराया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डीजल अगर बढ़ता है तो वो परसेंटेज के हिसाब से किराया 20% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर 110 है, 130 है, तो 150 है, 130 होना चाहिए। यदि भाड़ा में संशोधन नहीं किया गया तो 28 या 29 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी हम खड़े हैं अंतर्राज्यीय बस पड़ाव मीठापुर, और यहां हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने जिस तरीके से उछाल खाया है कहीं ना कहीं आम जनमानस के पैकेट पर काफ़ी असर पड़ा है। हम यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं क्योंकि किराए में बढ़ोतरी भी हुई है, आम लोग भी परेशान हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें ने उछाल खाया है, कितना असर पड़ा है? सबसे पहले आप अंतर्राज्यीय बस अड्डा मीठापुर में आए हुए हैं, हम लोग सभी आदमी आपको धन्यवाद देते हैं और ये बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि हम लोगों को देखने के लिए आइए। अब रहा सवाल महंगाई की, जब से ये मोदी की सरकार भी हिंदुस्तान में बैठा है तब से महंगाई चरम पर चल गया है। डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, मोटर पार्ट्स है, राशन है, गल्ला है, जनता का सुख को देखने वाला नेता नहीं है। चाहे मोदी जी हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई हो, जनता को देखने वाला कोई नहीं है। जनता को लुभावन वादा करते हैं, कोई भी नेता मंत्री आते हैं किसी भी राज्य में, पूरे लोकसभा में मोदी जी कहे थे हिंदुस्तान के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन जनता के लिए नहीं आया। बीच में आ गया कोरोना, कोरोना में हिंदुस्तान 30 साल पीछे चला गया, और हम लोग जितने मोटर व्हीकल के आदमी हैं वो 6 साल पीछे चले गए लॉकडाउन में। यह धुआं चलेगी तो वो घर का धुआं हम लोगों का चलेगा। रहा महंगाई की सवाल, महंगाई पूरे हिंदुस्तान किराया में भी कोई बहुत ही नहीं हुआ है, अभी कोई संशोधन नहीं मिला है। हमारे अध्यक्ष जयशंकर बाबू है, पूरे बिहार के मोटर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जयशंकर बाबू, वो निर्णय करेंगे भाड़ा बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। कल भी हमारे अध्यक्ष साहब बोले हैं नीतीश जी को, बिहार राज्य सरकार को, यदि भाड़ा में संशोधन नहीं किया गया तो 28 या 29 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, ये जयशंकर बाबू बोले हैं। और यहाँ देखिए 75 रुपये का भी टोकन लगता है, कोई सुविधा हम लोगों के यहाँ नहीं है। ये बस स्टैंड अंतर्राज्यीय बस अड्डा गंदगी के अंबार पर बैठा हुआ है, गंदगी ढेर पर बैठा हुआ है। आप अंदर जाके देख लीजिए क्या पोजिशन है, बराबर ठहरा हुआ गंदगी बना। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई है कि जब बारिश का मौसम आता है तो किस तरीके से जो पटना का बस पड़ाव है वो पूरा का पूरा नर्क में तब्दील हो जाता है। खैर, जो लोग हैं यहाँ पर उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में बने रहें, हम और लोगों से जुड़ेंगे और उनकी जो राय है आप तक पहुँचाएंगे। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है तो रेंट जो है किराया अमूनम बता कि बढ़ेगा ही। अब सवारी कहता है कि बढ़ा 1 रुपया, सवारी कहता है कि 10 रुपया बढ़ा दिए, 20 रुपया बढ़ाए, तो हमको एक सवारी में जा रहा है 10 रुपया, ठीक है, और हम 200 लीटर तेल भरवा रहे हैं तो हमको तो उतना जा रहा है, तो 10 रुपया तो बढ़ाना 20 रुपया मुनम बात है। कितना किराया में इजाफा हो सकता है? 20 रुपया, 20% जो है किराया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डीजल अगर बढ़ता है तो वो परसेंटेज के हिसाब से किराया 20 रुपया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कब तक बढ़ने का सर? तो देखिए अब तब तक सरकार करती है, हाँ, जब सरकार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा रेंट किराया बढ़ेगा ही, हाँ, तो किराया तो बढ़ना चाहिए। जैसे बिहार शरीफ का 80 है तो नॉन ए सी का 100 होना चाहिए और ए सी का 150 रुपये होना चाहिए। 20 रुपये की बढ़ोतरी होनी चाहिए, हाँ, 20 रुपये की बढ़ोतरी होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर 110 है, 130 है, तो 150 है, 130 होना चाहिए। शेखपुरा 150 है तो 180 होना चाहिए। शेखपुरा का भाड़ा इसमें अति जरूरी है। आप लोग इजाफा करेंगे? हाँ करेंगे। सर ये बताइए कि जो पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए ना, सरकार विफल है महंगाई को काबू करने में? विफल है लेकिन सरकार प्रयत्न है, प्रयत्न कर रहा है कि मेरा आती हो, लेकिन सरकार भी लाचार है, क्या करेगा। महंगाई को किस रूप में देख रहे हैं? महंगाई के किस रूप से देखा जाए? सर, महंगाई तो इतना जा ही रहा है तो इसको क्यों रूप से हम लोग देखे जाए? हम लोग को तो बढ़ाया नहीं जा रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग तो उसी जगह पर। भाड़ा देने में लोग कचमचाते हैं मतलब लोग, लेकिन भाड़ा तो बढ़ना चाहिए। कितना इजाफा हो सकता है आप लोगों की तरफ? अब वो तो गवर्नमेंट ना थे करेगा, वो तो बढ़ाएगा कितना मतलब होना चाहिए। अब तो DTO या MBI वो सब उसका वो अपना करेगा,
कितना बढ़ेगा, कितना किलोमीटर पर बढ़ाएगा, तो किलोमीटर पर बढ़ता है। एक लमसम अमाउंट 10 रुपया किराए में जरूर मान लीजिए, वो तो अति के अनुकूल बढ़ना ही चाहिए, 10 रुपया 20 तो बढ़ना ही चाहिए कम से कम। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है सर, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसे? बहुत अति हो रहा है भाई, महंगाई तो जितना मतलब ज्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। देश को गुलाम कर देगा मोदी सरकार ने। लोग बोलते हैं ना कि चाय बेचते थे, चाय नहीं बेचता था, बहुत अति था। पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ ही रहा है, पाठ पूर्जा का कीमत बढ़ ही रहा है, मगर किराया में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आगे क्या आप लोग किराया में बढ़ोतरी करेंगे पेट्रोल डीजल की? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। कितना बढ़ोतरी कर सकते हैं आप लोग अभी का किराया क्या है? अब तो संशोधन होला के बाद अध्यक्ष महोदय पर ही निर्भर करता है, अध्यक्ष महोदय इसमें क्या संशोधन करते हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कितना बढ़ना चाहिए? जबकि मान लिया कि 10 रुपया अगर बढ़ रहा है डीजल की कीमत, तो कोई 10 रुपया बढ़ेगा, 10 रुपया किराए में इजाफा होगा। मीठापुर बस पड़ाव में अभी हम मौजूद हैं और हम तमाम जो यहां के कर्मी हैं मीठापुर बस पड़ाव के, उनसे हम बात कर रहे थे और ये जानने का कोशिश कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने जिस तरीके से उछाल लिया है, तो उसके बाद क्या बस किराए में इजाफा हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या बस किराए में इजाफा होगा। तमाम यहाँ जो लोग काम करते हैं उनका साफ तौर पे कहना था बिल्कुल बस किराए में इजाफा होगा, 20% का इजाफा जो है वो होगा। यानी कि अब आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि अब किराए में भी बढ़ोतरी हो रही है और बहुत जल्द पटना के बस पड़ाव में भी इसका जो असर है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि किराया जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग को तो बढ़ाया नहीं जा रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग तो उसी जगह पर। जब से ये मोदी की सरकार भी हिंदुस्तान में बैठा है तब से महंगाई चरम पर चल गया है। 20% जो है किराया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डीजल अगर बढ़ता है तो वो परसेंटेज के हिसाब से किराया 20% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर 110 है, 130 है, तो 130 होना चाहिए। यदि भाड़ा में संशोधन नहीं किया गया तो 28 या 29 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं।